दोस्तों, भारत का पहला हिस्सा जो यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अधीन आने वाला था वो था वेस्ट कोस्ट पर लोकेटेड गोवा। इसका कॉन्क्वेस्ट सेकंड पोर्चुगीज वाइसरॉय इन इंडिया अल्फोंसो ड्यू अल्बुकर्क के द्वारा किया जाने वाला था, जिसने ये रियलाइज किया कि गोवन पोर्ट सिटी इंडियन ओशन में पुर्तगाली नौसेना और व्यापार के लिए एक परफेक्ट परमानेंट बेस बन सकती है। दरअसल 1509 में दीव में पोर्चुगीज नेवल विक्ट्री के बाद अल्बुकर्क ने अल्मीडा को इंडियन ओशन में पुर्तगाल के ओवरऑल कमांडर के रूप में रिप्लेस किया था। अल्बुकर्क के पास 23 शिप्स का एक फ्लीट और 1000 से भी अधिक आदमी थे। भारत में पोर्चुगीज का आगमन 1498 से शुरू हुआ, जब वास्को डी गामा ने होली वॉर्स के चलते यूरोप से भारत के लिए अटलांटिक महासागर होते हुए अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को राउंड करते हुए मालाबार कोस्ट के लिए एक नई रूट खोज निकाली और कैलिकट पे लैंड किया। यहाँ से भारत में यूरोपियंस के एडवेंट की शुरुआत होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये होली वॉर्स ऑटोमन टर्क्स और यूरोप के बीच एक ऐसा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था जिसके चलते ऑटोमन्स ने अपने एम्पायर से भारत को जाने वाले सभी लैंड रूट्स को यूरोपियंस के लिए बंद कर दिया था। पोर्चुगीज भारत में कॉलोनी स्थापित करने के इरादे से मर्चेंट्स के रूप में पहुंचे। उनका ये भी इरादा था कि वो अन्य यूरोपियन पावर्स से भारत के साथ होने वाले स्पाइस ट्रेड का कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथों में लेंगे। एक्चुअली दोस्तों, ये स्पाइस ट्रेड यूरोपियंस के लिए काफी प्रॉफिटेबल था। इनफैक्ट जब वास्को डी गामा कैलिकट से मर्चेंडाइज लेके यूरोप पहुंचा तो उसने वही गुड्स 200% प्रॉफिट के साथ वहां पे सेल किए थे। इस ट्रेड के प्रॉफिट को देखते हुए ही बाकी यूरोपियन ट्रेडर्स और मर्चेंट्स भी इंडिया की तरफ आकर्षित होने लगे। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया की कॉलोनाइजेशन की कहानी यहीं से शुरू हुई। और होली वॉर्स के चलते क्रिश्चियन फेथ को स्प्रेड करना और मुस्लिम से जमीन वापस लेना ये भी उनके मुख्य उद्देश्यों में शामिल था। फर्स्ट इंडियन पोर्चुगीज वाइसरॉय अल्मीडा को बनाया गया, जिसे अंजेडीवा आइलैंड, कैन्नौर, कोची, किलोन इत्यादि में कारखानों के साथ साथ में किलों का निर्माण करना और विजयनगर के सम्राट के साथ में टाइल्स डेवलप करने के लिए नियुक्त किया गया था। इंटरेस्टिंगली, पोर्चुगीज नेवल फोर्सेस इतने बेहतरीन ढंग से ऑर्गेनाइज थी कि उन्होंने 1509 के बैटल ऑफ ड्यू के दौरान इजिप्ट, ऑटोमन एम्पायर, वेनिशिया, कैलिकट और गुजरात की अटैक करने वाली कंबाइंड फ्लीट्स को भी हरा दिया था। इस प्रकार वो समुद्र के नियंत्रण को छीनने में सफल रहे और अरेबियन सी में अपनी नेवल सुप्रीमेसी को स्थापित किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा के नाम से भी जाना जाता है। अल्मीडा के बाद ईस्ट में भेजे गए पोर्चुगीज कमांडर्स में से सबसे योग्य कमांडर अल्बुकर्क को सेकंड पोर्चुगीज वाइसरॉय के रूप में नियुक्त किया गया। इस सक्सेशन की कहानी भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल बैटल ऑफ ड्यू में पोर्चुगीज जीत तो गए थे, लेकिन इस जीत के साथ ही उनके बीच में एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी शुरू हो गई थी। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने भी बैटल ऑफ ड्यू के अंदर एक जनरल के रूप में अल्मीडा के साथ में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जब अल्मीडा को यह खबर मिली कि अल्बुकर्क उसे वाइसरॉय के रूप में रिप्लेस करने वाला है, तब उसने एक चाल चली। वाइसरॉय बनने से रोकने के लिए अल्मीडा ने अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को अरेस्ट करवाकर 6 महीने के लिए सेंट एंजेलो फोर्ट के अंदर बंद करवा दिया। लेकिन अल्मीडा की यह स्कीम कामयाब ना हो सकी। अल्बुकर्क जेल से रिहा होने के बाद इवेंचुअली वाइसरॉय का पद संभालने लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किस तरह आदिल शाही रेजिम के खिलाफ लड़कर पोर्चुगीज ने गोवा को अपने कब्जे में लिया। गोवा 1508 के बाद से ही एक स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल पोजीशन एंजॉय करता था। पोर्चुगीज गोवा को जीतने की योजना कई समय से बना रहे थे। उनकी प्लानिंग फाइनली 1510 में क्रिस्टलाइज होती हुई दिखाई दी जब उन्होंने सुना कि कुछ नेटिव हिंदू गोवन लीडर्स उन्हें गोवा कैप्चर करने के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं। वो लीडर्स अपने लोगों को आदिल शाह रेजिम के टर्किश और रोमी ऑफिसर्स के अलेजेडली टायरेनिकल रूल से मुक्त करना चाहते थे। तिमैया, जो कि इन लीडर्स का हेड था और विजयनगर फ्लीट का नेवल कमांडर भी, उसके साथ पोर्चुगीज ने एक मीटिंग फिक्स की। मीटिंग के बाद गोवा कॉन्क्वेस्ट के इरादे पे एक तरह से फाइनल स्टैंप लगा दिया गया। पोर्चुगीज फ्लीट 1 मार्च 1510 को तिमैया के साथ मंडोवी नदी के लिए रवाना हुई और पणजी के किले पे धावा बोल दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्होंने गोवा की राजधानी को आसानी से अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला गैरिसन उसी दिन भाग गया था। यूसुफ आदिल शाह के सक्सेसर इस्माइल आदिल शाह ने गोवा को खोने के नुकसान को इजीली एक्सेप्ट नहीं किया। उसने पोर्चुगीज से गोवा को वापस लेने के लिए तैयारी शुरू कर दी। उसने शुरू में डिप्लोमेसी का सहारा लिया, फिर अल्बुकर्क को आदिल शाह की आर्मी की महान शक्ति और लोकल मुस्लिम रूलर से मिलने वाली मदद के बारे में चेतावनी देने के लिए अपने एनवॉयस को भी भेजा। एक तरफ ये नेगोशिएशंस जारी थे, वहीं दूसरी ओर
आदिलशाही फोर्सेस ने एक सरप्राइज मूव में गोवा के डिफरेंट पॉइंट्स पर हमला किया, जिसके कारण पोर्चुगीज फोर्सेस को भागना पड़ा। अल्बुकर्क को इस अटैक के बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी, इसलिए गुस्से में उसने शहर में आग लगाकर एक्शन दिखाया और अपनी फ्लीट के साथ मंडोवी से सेल कर गए। इस बीच आदिल शाह ने गोवा में अपने डिफेंसेस को और स्ट्रॉन्ग किया और पणजी से ही मंडोवी नदी में पोर्चुगीज फ्लीट को हैरेस करना शुरू कर दिया। अल्बुकर्क ने इस बार सक्सेसफुली रिटेलिएट किया, हालांकि उसके रैंक में कई लोग मारे जा चुके थे। खैर, गोवा में आने वाले इंटेंसिव मानसून के साथ साथ प्रोविजंस की एक्यूट शॉर्टेज, इलनेस और स्टेट ऑफ सीज ने अल्बुकर्क को इवेंचुअली सेल आउट करने के लिए मजबूर कर दिया। अल्बुकर्क ने गोवा को वापस लेने के लिए दूसरे प्रयास की तैयारी के लिए अंजेडीव आइलैंड पर ही रहकर एक प्रकार से सही समय का इंतजार करना शुरू कर दिया। उसने 25 नवंबर 1510 को गोवा पे एक बार फिर से हमला किया। इस बार स्थानीय लोगों के द्वारा भी उसका जोरदार स्वागत किया गया। 1511 में जब अल्बुकर्क मलक्का कैप्चर करने के लिए गया हुआ था, तब एक बार फिर इस्माइल आदिल शाह ने गोवा पर इन्वेड किया और प्रेशर बनाए रखने का प्रयास किया। इन्वेजन की खबर मिलते ही अल्बुकर्क तुरंत लौट आया। मुस्लिम गैरिसन के ब्रेव रेजिस्टेंस के बावजूद एक ही दिन के भीतर गोवा की सुरक्षा पर काबू पा लिया गया। कहा जाता है कि लगभग 2/3 मुस्लिम डिफेंडर्स मारे गए। डिफेंडर्स या तो लड़ाई में मारे गए या पोर्चुगीज से बचने की कोशिश में नदी में डूब गए थे। इस जीत का नतीजा कुछ यूं हुआ कि पोर्चुगीज की प्रेस्टीज काफी बढ़ गई और सुल्तान ऑफ गुजरात, ज़ेमरीन ऑफ कैलिकट और एम्परर ऑफ विजयनगर ने पोर्चुगीज के साथ क्लोज टाइज बनानी शुरू कर दी। गोवा पूरे ईस्ट के लिए सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया, क्योंकि इन क्षेत्रों को पार करने वाले दुनिया की सभी शिप्स फार ईस्ट के लिए प्रोसीड करने से पहले गोवा में ही हॉल्ट किया करती थी। इस प्रकार गोवा में व्यापार, विशेष रूप से हॉर्स ट्रेड ने काफी ब्लूम किया और ट्रेडेड गुड्स पे टैक्स लगने के कारण गोवा काफी रिच भी होता चला गया। आज भी गोवा की जमीन पर स्थित पोर्ट्स, चर्चेस आदि उसके इतिहास की गवाही देते हैं। आशा करती हूँ कहानी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड यस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट बुक आपके लिए लेके आया है सुपर कोचिंग, जहां पे हम आपको प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवा रहे हैं एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। आपको वीडियो कोर्सेज, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, डेली लाइव क्लासेस प्लस ऑप्शनल की तैयारी भी इसी कॉस्ट के अंदर सब कुछ मिल रहा है। आपका प्राइस है 36,000 rupees पर ईयर, बट अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं विच इज माई नेम सोनप्रिया, तो आपको इस पे मिल सकता है 25% का फ्लैट डिस्काउंट। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, अभी क्लिक कीजिए, कूपन कोड यूज कीजिए और अपनी तैयारी का श्री गणेश कीजिए। थैंक यू सो मच।